फ्रेंडशिप्स में जब थोड़े बहुत टकराव होते हैं, इधर उधर की चीजें होती हैं, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? We have come to the right place. यार लोग कैसे कर लेते हैं, हेयर फ्लॉप मुझसे नहीं होता, वो हेयर फ्लॉप होते क्या होते हैं? हाँ ओके लेट्स. Hey guys, welcome back to DNM channel. Today, हम डिस्कस करने वाले कि जो भी फ्रेंडशिप्स में थोड़ी बहुत तरार होती है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं. Let's get started. तो यार, किसी भी टाइप की फ्रेंडशिप में जब भी कोई तकरार होती है, वो किस कारण होती है, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं. पहली बात, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में एक इक्विलिब्रियम होता है, चाहे आप वो रोमांटिक रिलेशनशिप ले लो या फ्रेंडशिप ले लो. अगर वो इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होगा, एटलीस्ट वन पर्सन विल बी सफरिंग. ऐसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में, कोई आपको जो फ्रेंड है ज्यादा आपको लग रहा है डोमिनेंट है, आपकी बात नहीं सुन रहे, यू माइट बी थिंकिंग दैट दे आर जस्ट यूजिंग यू, राइट? यू माइट फील दैट आपकी जो फीलिंग्स है वो वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज इनटू मी, अपने आपको सेल्फ सेंटर बना रखा है, राइट? सो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस. नाउ यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट ट्राई टू सी सम सिचुएशंस. सो लेट्स टेक दिस black color as friend number one and this pink color as friend number two. Hey, wanna go for a movie or a long drive? मन की बात. She said movie first. तो उसको पक्का movie पे जाने का मन हुआ. इनको भी movie बोल देना चाहिए. पर road trip पे ज़्यादा मज़ा आएगा ना. पर यार उसकी इच्छा तो चलता है. Let's go for the movie. So you want to go on a movie? Let's do it. मन की बात. Road off. यार मेरे को long drive पे जाने से ज़्यादा मज़ा आता, पर उसका movie पे जाने का मन है, so we'll go to the movie. मन की बात, movie theater. यार क्या यार, इतनी बकवास movie पे आ गए. Long drive भी जाना था, तो उसका दिल रखने के लिए मैंने movie देखा. क्या यार? The other person. जाने का ज्यादा मन होगा. यार बेसिकली इस वाले का मॉरल ऐसा था कि यार जब तुम ज्यादा ओवरथिंक कर लेते हो ना, यू ट्राई टू बी पीपल प्लीजर्स की यार उसकी इच्छा है, चलो उनके हिसाब से कर लेते हैं, पर आप अपनी ओपिनियंस का भी वॉइस आउट नहीं करते. इससे क्या लगता है कि जब दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने खुद के ओपिनियंस कहीं पर भूल जाते हैं. उस तरीके से उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऐसे बढ़ जाता है. जैसे कि अभी हमने देखा, दोनों कोई और चीज चाहते थे, पर मिसकम्युनिकेशन के कारण और बेसिकली नो कम्युनिकेशन के कारण ये प्रॉब्लम होती है. तो आपकी जो ओपिनियंस है आप वॉइस आउट जरूर करें, ठीक है? आपको जो सही लगता है, आपको जो गलत जो आपको करना है आप वही बोले. किसी के और के इन्फ्लुएंस में आप यार उसे अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, आपको आपकी मन की ही कहनी है. अगर आप अपने मन की नहीं कहेंगे तो कोई नहीं कहेगा. सो मन की बोलो के नंबर टू. सो इसमें सिचुएशन है कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एंड वन फ्रेंड वांट्स अ फेवर, और मुझे एक फ्रेंड है उसको थोड़े ज्यादा ही फेवर्स चाहिए होते हैं हमेशा. सो लेट्स यार ब्रो 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 यार इमरजेंसी है, मुझे हेल्प कर दो प्लीज, एक छोटा सा फेवर चाहिए, एक छोटा सा प्लीज प्लीज प्लीज. अरे क्या हुआ बताना, वो सब कुछ स्क्रू अप हो गया यार. यार हमारा ना इंग्लिश के प्रोजेक्ट का सबमिशन कल ही है, मेरे को आज ही पता चला. आई डिडंट नो वेयर माय माइंड इज. यार प्लीज मेरे को हेल्प करा दे, मेरा कंप्लीट कर दे यार, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मेरा मैथ्स का प्रोजेक्ट भी बाकी, प्लीज इंग्लिश का प्रोजेक्ट कर दे. ब्रो लाइक इंग्लिश का प्रोजेक्ट हमें एक महीने पहले दे दिया था, राइट? यू रिमेम्बर वन मंथ, मैं भी तुमको कितने टाइम से बोल रही हूँ, राइट? सो आई गॉट माय थिंग्स टू डू आल्सो. यार बस बस एक बार हेल्प करते, बस एक बार एक बार. ओके ओके फ्रेंड, सो हम इसमें क्या देखते हैं कि यार एक जो फ्रेंड है वो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है. शी कुड हैव डन हर वर्क, बट उसकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी कारण आपको उसके यू नो इरेस्पॉन्सिबिलिटी का कर्जा चुकाना पड़ रहा है, काइंड ऑफ. सो
अगर एक बार हो जाए इट्स फाइन, बट यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन. यू डोंट हैव टू डू थिंग्स फॉर योर फ्रेंड व्हेन यू नो दैट शी इज नॉट टेकिंग और ही इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जस्ट सिंपली से नो. जब वो खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस को सहन करेंगे देन दे विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर. जब उनको पता है यार मेरी फ्रेंड है she will always back me up, aap unko zyada actually weak bana rahe because they know that they can always come to you. So avoid this. One health is fine. Okay, generally koi bhul jata, koi genuine dikkat hai, it's fine, but baar baar aisa karna, it's strict no. So yaar ab hum seekhte hain ki jo hum friendships hain usko zyada smooth kaise bana sakte hain. Smooth like butter. So win-win situation. Whenever आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ हो, आपकी जो भी टाइप की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, आप मेक श्योर करो कि इट इज इन इक्विलिब्रियम. ऑल्सो आपके फ्रेंडशिप में कोई पूरा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है राधिका. When I went to Gujarat, she used to share all of her notes with me. Then I was like, यार वो इतना कुछ करती है, मेरे को भी कुछ करना चाहिए. तो फिर मेरे को जो भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स मिलते थे मैं भी उसके साथ शेयर करती थी. तो ऐसे हम दोनों में बिल्कुल विन विन सिचुएशन रहता था कि उसको भी जो चाहिए वो मिल रहा है, मेरे को भी जो चाहिए वो मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार एक को ही मिलता जा रहा है या एक को ही देता जा रहा है. जो ज्यादा ही देता जा रहा है उसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उस पर्सन को स्ट्रेस हो जाता है यार आई एम ऑलवेज डूइंग सो मच यू नो. सो ऑलवेज कीप इट विन विन. विन-विन अगर नहीं हो सकता किसी केस में, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो दोनों की कंडीशन सिचुएशन मैच नहीं हो रहे, सो नो डील, नो सिचुएशन अदर देन विन-विन इज अलाउड. ओके, गो फॉर राइट, जस्ट डोंट कीप ऑन टेकिंग टू मेनी फेवर्स लाइक दैट. आई नो कि यार दोस्ती में चलता है, बट आई गेस फॉर मी पर्सनली इट्स इन अ लिमिट. यू डोंट ट्राई टू जस्ट मेक फील अ पर्सन लाइक दैट दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, कि आप उनका फायदा ले रहे हो या उनको बस आपने ऐसे ही काम के लिए फ्रेंड बनाया है. इट्स लाइक फ्रेंड्स अबाउट हेल्पिंग ईच अदर एंड ग्रोइंग टुगेदर. ऑलवेज रिमेंबर ग्रोइंग टुगेदर. सो कीप इट इन माइंड. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट पीपल नीड टू डू इज कम्युनिकेट. जब कभी कभी क्या होता है, आपने अपनी फ्रेंड के लिए कुछ किया या उन्होंने कुछ किया एंड आपका जो मिसकम्युनिकेशन हो गया, सो यू बोथ आर नॉट एट द सेम लेवल. योर फ्रेंड डिड सम फेवर फॉर यू एंड यू नो शी सम मे बी एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न एंड यू थिंक दैट इट्स टोटली फाइन फॉर हर टू डू दोस थिंग्स. सो जब आपका मिसकम्युनिकेशन होता है तो ऐसे इम्बैलेंस हो जाता है. रिमेंबर इक्विलिब्रियम, वी नीड टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम. That's why always talk. You know what? Life is too short to cut calls or not talk. So please talk to them. Let them know ki aapko kya feel ho raha hai. And I've seen that people do not put up their opinions. Unko lagta hai ki yaar main kuch bol dunga ya bol dengi. To maybe dusron ke opinions se match na ho. To aise bahut alag ho jayenge. Wo na side cast ho jayenge. Aap galat nahi ho. Aap bas alag ho. You're just a little different. और इससे आपको हमेशा आपके जो प्योर ओपिनियंस हैं उन्हीं को प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे आप फिर बाद में बहुत स्ट्रेस्ड अप हो जाएगा बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू शो योर दूसरों. सो प्लीज शो योर बोनस टिप. आई जस्ट फील लाइक दैट दिस वन गोज विदाउट सेइंग बट अपोलोजाइज. अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलती किया, आपने किसी को भी किसी भी तरीके से हर्ट किया, तो आप अपोलोजाइज कर दो. और आपको अपोलोजाइज करने के लिए ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे नोट्स लिखने पड़े या कुछ भी, बस आप उस पर्सन के पास जाओ और उनको जेन्युइनली अपोलोजाइज करो. और आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बता सकते हो कि यार मेरे को ऐसा ऐसा लगा था, इसलिए ये चीज गलती से हो गई या जो भी है. प्लीज अपोलोजाइज. कम्युनिकेशन इज की. चाबी किस ताले की वो मुझे भी नहीं पता, बट वो चाबी होती है. एंड डैम दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, पर्सनल. आपका जो भी फ्रेंड है या जो भी है, ऑल ऑफ अस नीड सम काइंड ऑफ पर्सनल स्पेस. कभी कभी क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स होते हैं वो नहीं समझ पाते आपकी पर्सनल स्पेस की नीड को, तो वो शायद इंक्लूड कर जाए गलती से. उनको नहीं पता कि आप उनकी पर्सनल स्पेस इंक्लूड करें, तो आप उनको बताओ कि यार दिस इज माई पर्सनल स्पेस, प्लीज आप मेरे को यहाँ पे परेशान मत करो. बिकॉज अगर आपकी पर्सनल स्पेस में कोई इंक्लूड कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, बाद में आप ही ने फ्रस्ट्रेट होना है. ठीक है,
So, and also please respect other people's personal space. If they don't want to tell you something, maybe don't take anything very personally. Be like, okay, it's fine. Abhi shayad batane ka mood nahi hoga, jo bhi hai. Right? If it's about like the good friendships, I'm not talking about the very close one, like those are good ones, okay? Never force anybody to tell you something. They will tell you when they feel that it's right. जब उनको लगेगा कि हाँ वो आपको बताने में कंफर्टेबल है तो इसको फोर्स मत करो एंड प्लीज रिस्पेक्ट योर प्रेफरेंसेस. सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज पुश द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब. इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी. एनी मोर फीडबैक रिकमेंडेशन एनीथिंग आई वुड लव टू नो प्लीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे नोटिफाइड फॉर मोर वीडियोस. Thank you. Bye bye. Maybe I just go like this. Easier. I don't know. I'm kahan se likhu? Main kahan likhu? Main usko nahi, usko nahi.